25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी को अमृत कहा गया है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता और तुलसी का प्रतिदिन सेवन करने से रोग भी दूर भागते हैं। तुलसी पूजन दिवस को सोलन जिला में धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने आंगन में लगी तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना की। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है और इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि ये औषधि भी है और इसका नियमित उपयोग काफी फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के नहीं होती है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी लगी होती है वहां पर किसी तरह की परेशानियां नहीं होती। तुलसी को भगवान श्री कृष्ण की बेहद प्रिय माना जाता है। तुलसी पूजन दिवस के मौके पर लोगों ने बताया कि वैसे तो तुलसी की पूजा प्रत्येक दिन की जाती है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि तुलसी पूजन दिवस के मौके पर विधिवत तुलसी पूजन किया। घर में तुलसी का महत्व है, तुलसी का आदर होता है, तुलसी की पूजा होती है और तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई प्रकार के गुण रखती है। तुलसी माता के साथ श्री हरि का पूजन भी होता है। नारायण भी तुलसी माता के साथ ही हैं। आज बड़ा दिन मनाया जाता है, लेकिन आज हमारी तुलसी पूजन का दिवस भी है। बड़े दिन में लोग क्रिश्चियन धर्म की तरफ जाते हैं, पार्टी करते हैं, मनाते हैं उसको अच्छी तरह से, होटलों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन इस दिन हमें अपने हिंदुत्व की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन है, ये हिंदुओं का पवित्र, तुलसी जो हिंदुओं का पवित्र मानी जाती है, वे विष्णु प्रिया है, हरि प्रिया है। इसका पत्ता जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए भोग के रूप में लगाया जाता है, जिससे भगवान तृप्त हो जाते हैं। ये घर घर में लगानी चाहिए और इसका महत्व जिसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसके लिए तो अपना त्यौहार मनाना चाहिए और हमारे हिंदुओं के लिए तो वह बहुत अच्छा है, महत्व रखता है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।